गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर, ये हमने पढ़ना है, ठीक है ना. क्योंकि इसके पहले तक हमने पढ़ लिया था. मैप भी मैं आज आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी कि मैप में जो रेड पार्ट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है और किस चीज़ को ये बिलोंग करता है. ओके, तो चलिए पेज नंबर 22 खोलिए. ओपन एट पेज नंबर 22 और लेसन नंबर 2 ही हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा है. तो शायद इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप लोग साथ में क्वेश्चन आंसर्स करते जाइए. ओके, जो क्वेश्चन आंसर मैं करवा रही हूँ वही आप लोगों को करना है. क्योंकि मैं जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी से ये क्वेश्चन आंसर्स निकले हैं. तो आपको यही क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. ओके, और कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं. तो चलिए हम पढ़ते हैं फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर. अब देखिए इसमें बोल रहा है हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, किस तरीके से चोलाज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, है ना. पहले जो चोलाज था उनका एक केवल छोटा सा क्षेत्र था, वो था उरैयूर. केवल वो छोटे से क्षेत्र में ही राज किया करते थे. धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य को कैसे विस्तार किया ये हम अभी जानेंगे. वो भी एक मैप, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से चोल वंश जो था वो बहुत पहले से था. मतलब हमारे देश में चोल वंश बहुत शुरुआत से था, मगर धीरे धीरे उसने अपनी पॉलिसीज, अपनी नीतियों के अकॉर्डिंग किंगडम में राज किया और उसने बहुत से राज्यों पे अपना कैप्चर, मतलब अधिकार जता के वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और वहाँ पे पॉपुलर हो गया, ठीक है ना. किस तरीके से देखिए, अभी हम ये उरैयूर और थंजावुर का एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से. इसमें देखिए कोई भी एक क्षेत्र मान लीजिए, किसी भी राजा का, ये आप मान लीजिए कि किसी भी राजा का क्षेत्र, ठीक है ना. हम मान लेते हैं कि पल्लव राजा का क्षेत्र, ठीक है ना. यहाँ पे पल्लव राजा राज करते हैं, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है. अब किसी भी राजा का जब क्षेत्र होता है तो उसमें कई छोटे 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 क्षेत्र होते हैं ना, ये आपको भी पता है ना. तो हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं. जैसा कि आपने ये मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें ये लिखा है फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर, यही मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, तो देखिए इसमें एक हम मान लेते हैं, ये है कावेरी डेल्टा. ये कौन सा क्षेत्र है, ये है आपका कावेरी डेल्टा. इसको आप समझ लीजिए ये है उरैयूर. यहाँ पे है चोलवंश का, चोलवंश यहाँ सामंत के रूप में काम करते हैं, ठीक है. इस क्षेत्र में उरैयूर में चोलवंश के राजाओं का शासन है, ठीक है, केवल इतने छोटे से क्षेत्र में. अब ये जो क्षेत्र है ये है कावेरी डेल्टा, ठीक है. इन क्षेत्रों में भी जो सबसे मजबूत परिवार हुआ करते थे, जो सबसे धनी परिवार हुआ करते थे, वो सामंत के रूप में, सामंत आपको पता है ना, उस क्षेत्र की देखभाली करना. तो इस कावेरी डेल्टा में एक मुटरियार करके, ये लिखा है ना, मुटरियार परिवार था. कौन सा परिवार था, मुटरियार परिवार था, जो कि सबसे मजबूत परिवार था इस क्षेत्र में. कावेरी डेल्टा में सबसे मजबूत परिवार कौन सा था, मुटरियार परिवार. तो यहाँ पे कौन सा परिवार था, मान लीजिए मुटरियार परिवार, ठीक है. तो ये उरैयूर में भी ऐसे ही कुछ राजा थे जो इसके सिर्फ यहाँ पे चोल वंशों का शासन था. ओके, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाना कि ये बहुत मजबूत है, ये मुटरियार परिवार कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में है, जो कि बहुत धनी है और बहुत प्रसिद्ध है. तो इनकी नीति क्या बनी कि हम इसके ऊपर आक्रमण करेंगे, ठीक है ना. उरैयूर मतलब चोल वंशों की ने ये पॉलिसी बनाई कि हम यहाँ पे जाएंगे, इन पे आक्रमण करेंगे और इन पे अपना हस्तक्षेप करेंगे, अपना अधिकार जमा लेंगे. तो उरैयूर में एक किस नाम का है, ये विजयालय नाम का एक व्यक्ति था. उरैयूर जो ये स्थान है, यहाँ पे चोल वंशों में एक विजयालय नाम का व्यक्ति था. उसने नीति बनाई और उसने आक्रमण कर दिया कहाँ, कावेरी डेल्टा के मुटरियार परिवार में. और वहाँ पे वो जीत भी गया. विजयालय जो था, जब उसने आक्रमण किया तो वो यहाँ पे जीत भी गया. उसने कावेरी डेल्टा पे पूरा का पूरा अपना अधिकार जमा लिया. जब उसने एक जगह अपना अधिकार जमाया, धीरे धीरे उसकी जो मनोबल था वो बढ़ता गया और उसने सोचा कि अब मैं कई राज्यों में अपना अधिकार जमाऊँगा और अपने राज्य को बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है ना. इस तरीके से जब वहाँ उसने अपना राज्य जमा लिया, तो वहाँ पे उसने कावेरी डेल्टा को जब अपना अधिकार उसमें जमाया, तो उसने अपने वहीं पे एक नया सिटी बनाया थंजावुर नाम की. कौन सी सिटी बनाई वहाँ पे, थंजावुर. आप इस मैप में देखिए, जो मैप दिखाया गया है इसमें, आप इस मैप में देखिए कि उरैयूर जो था, उरैयूर देखिए कितनी छोटी सी जगह में था. नीचे साइड देखिए उरैयूर लिखा, केवल इतना ही था. चोल वंशों का जो शासन क्षेत्र था केवल इतना ही था, मगर धीरे धीरे इनका जब मनोबल प्रसिद्धि बढ़ती गई, तो ये धीरे धीरे कई राज्यों में अपना अधिकार जमाने लग गए. धीरे धीरे देखिए उरैयूर के पास इन्होंने थंजावुर सिटी बनाई, और उसी थंजावुर सिटी के पास इन्होंने एक मंदिर बनाया. किसका, निसुंभ सूदनी.
कौन सी देवी का मंदिर बनाया? निशुंभ सूदनी। ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब विजयालय ने इसमें कावेरी डेल्टा पर अपना अधिकार जताया तो कौन से परिवार वहाँ राज करते थे? तब वहाँ पे मुटरियार परिवार सबसे धनी परिवार थे, वही यहाँ के शासन क्षेत्र को संभाला करते थे। तो किसने उरैयूर चोल वंश के किस व्यक्ति ने आक्रमण किया? तो किसी व्यक्ति ने, विजयालय नाम के व्यक्ति ने आक्रमण किया, ठीक है। फिर उसने आक्रमण करने के बाद वहाँ कौन सा शहर बसाया? थंजावुर नाम का शहर बसाया और वहाँ पे एक मंदिर भी बनाया। वो मंदिर कौन था? निशुंभ सूदनी मंदिर नाम का उन्होंने एक मंदिर वहाँ पर बनाया, ठीक है। यहाँ से ये इतनी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। चलिए, और उसके पहले मैं आपको जो मैंने बताया था ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि वहाँ पे तीन वंश के राजा स्ट्रगल कर रहे थे कन्नौज शहर पे अपना अधिकार जताने के लिए या बनाने के लिए, इसीलिए उसको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया था। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको डिटेल में एक एक चीज बता रही हूँ। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द सक्सेसर ऑफ विजयाला कॉन्क्वर्ड नेवरिंग रीजन एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। अभी जो विजयाला था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका जो मनोबल था वो बढ़ता ही जा रहा था, तो वो धीरे धीरे अपने सभी पड़ोसी क्षेत्रों पे अपना आक्रमण करके अपना अधिकार जमाने लगा था। और उसके जो उत्तराधिकारी थे वो भी ऐसा ही कर रहे थे, नई नई नीतियाँ बना के वो आसपास के जितने क्षेत्र थे उन पे अपना अधिकार जमाने लग गए थे आक्रमण करके। ओके, फिर द पांड्यान एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ अवर मेड ऑफ द किंगडम। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, विजयालय और विजयालय के उत्तराधिकारी ने पांड्यन और पल्लवन क्षेत्रों में भी अपना अधिकार जमा लिया, वहां आक्रमण करके इन्होंने जीत हासिल की। फिर देखिए, राजा राजा फर्स्ट हैं कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, मतलब चोल वंश के अगर सबसे मजबूत राजा किसी को माना जाता था तो वो कौन थे? राजा राजा फर्स्ट। बिकम किंग इन 1985, जो कि 985 में राजा बने थे। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, और धीरे धीरे वो अपना जो क्षेत्र था, अपना जो राज्य था, वो धीरे धीरे विस्तार से उसको बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। धीरे धीरे उन्होंने अपने जो राज्य था उसका जो प्रशासन था उन्होंने सुदृढ़ किया, बहुत अच्छे तरीके से अपने राज्य को उन्होंने चलाना शुरुआत किया, और धीरे धीरे वो उनका जो राज्य था वो बढ़ता ही जा रहा था, उनको जीत जो थी वो लगातार मिलती ही जा रही थी। जिस राज्य में वो अटैक करते थे उनको जीत मिलती थी और वो धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ा रहे थे, ठीक है। राजा राजसन, अब जो राजा राज के बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट कॉन्टिन्यूड, और जो राजा राज के बेटे हुए राजेंद्र फर्स्ट वो भी उन अपने पिता की ही नीतियों को फॉलो कर रहे थे, और धीरे धीरे वो भी हर राज्यों पे आक्रमण करके उन्हीं की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे थे, और उनको भी इसी तरीके से सुख समृद्धि मिल रही थी, ठीक है। एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, अब जो राजेंद्र फर्स्ट थे, राजा राज के बेटे राजेंद्र फर्स्ट थे, इन्होंने गंगा वैली पे अटैक किया, ठीक है ना। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका पे भी अटैक किया, और ये जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के दक्षिणी पूर्वी एरिया में भी इन्होंने आक्रमण किया। मगर कैसे आक्रमण किया? नेवी ऑफ दीज एक्सपेडिशन, मतलब उन्होंने जल सेना का प्रयोग किया, क्योंकि अगर आपको कहीं दूर दूसरे देश में जाना है तो आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा? पानी के थ्रू जाना पड़ेगा, शिप के थ्रू। तो इन्होंने जल सेना का भी वहाँ पे डेवलप किया, जल सेना भी वहाँ, तब से इस टाइम से राजेंद्र फर्स्ट के टाइम से जल सेना भी जानी जाने लगी कि जल मतलब हम पानी को क्रॉस करके भी दूसरे देशों में जा सकते हैं और वहाँ अपना आक्रमण करके अपना वहाँ पे हम अधिकार जता सकते हैं या जमा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से राजेंद्र फर्स्ट ने, जो कि राजा राज फर्स्ट के बेटे थे, उन्होंने अपने पिता की पॉलिसीज़ को फॉलो किया और धीरे धीरे उनको भी सक्सेस मिलती गई, ठीक है। क्योंकि उन्होंने दूसरे देशों में आक्रमण करने के लिए किसका एक डेवलप किया, एक और नई चीज़ डेवलप की, क्या थी वो? नेवी, जल सेना। ओके, अब देखते हैं स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये आप देख रहे हैं ना पेज नंबर 23 में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ मंदिरों के बारे में पढ़ा जाएगा और कांस्य मूर्ति और मूर्तिकला के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि चोल वंश में ना बहुत प्रसिद्ध था क्या क्या, ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध थे और वहाँ की मूर्तिकला मतलब बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मानी जाती थी। चोल वंश में जब भी कोई राजा जीतता था तो वो मंदिर ज़रूर बनवाता था, और मंदिर को बहुत भव्य तरीके से बनवाता था, बहुत समृद्ध बनवाया करते थे, ठीक है ना। अब देखिए,
द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राज एंड राजेंद्र। अभी जो बड़े बड़े मंदिर है थंजावुर में जो निसुंभसूदनी करके मंदिर बनवाया गया, ये जो था ये किसने बनवाया, चोलापुर, ये किनने बनवाया, राजा राज ने, ठीक है ना, विजयालय ने बनाया था ना। फिर गंगाईकोंडा ये किसके द्वारा बनाया गया, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनाया गया। बिल्ट बाय राजा राज एंड राजेंद्र, जो कि ये दोनों मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए हैं, राजा राज एंड राजेंद्र के थ्रू। आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स, जो कि मूर्ति के बहुत ही प्रसिद्ध और भव्य मंदिर माने जाते हैं, एक तरह से मूर्तियों का वो चमत्कार माना जाते हैं। उस टाइम चोल वंशों के टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और भव्य मंदिर बनवाए जाते थे। ओके, फिर देखिए, चोल टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रीव अराउंड देम, दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। मतलब कि चोल वंशों की ये विशेषता थी कि जब भी वो जीतते थे या जब भी उनकी कोई प्रसिद्धि होती थी तो वो मंदिर बनवाया ही करते थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब विजयालय ने यहाँ मुटरियार परिवार पे अपना शासन जमाया तो उसने तुरंत एक निशुंभसूदनी करके मंदिर बनाया, जो कि बहुत भव्य मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर था। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पे राजा राज राजेंद्र ने भी, क्यों देखिए कौन कौन से, ये थंजावुर में और गंगाईकोंडा चोलापुरम में मंदिर बनवाया है ना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कि टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडाउंड विद लैंड एंड रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। ठीक है, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, तो देखिए जब मंदिर बनता था ना, मंदिर जब बनता था तो उसके आसपास जो भी धनी लोग हुआ करते थे वो उस मंदिर के नाम कई भूमि दान किया करते थे, कि मंदिर को वो अर्पण कर देते थे कि मंदिर को हम दान दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, कि हम ये भूमि अपनी तरफ से दान कर रहे हैं मंदिर के लिए। ठीक है ना, जैसे ट्रस्ट वगैरह देते हैं। Went into maintaining all the specialty, और जब मंदिर बना उसके आसपास कई लोग बसने लग गए है ना, वहाँ पर जब जमीन थी तो वहाँ ज़मीनों में खेती की जाने लगी, कृषि की जाने लगी, तो लोग अपने आप वहाँ आकर बसने लगे, कई समुदाय के लोग वहाँ बसने लगे। ठीक है ना, तो ये पढ़ते, ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव नियर इट, और धीरे धीरे मंदिरों के पास लोग बसने लगे, जैसे प्रेस्ट हो गए, गार्लैंड हो गए, मेकर्स, कुक्स, स्वीपर, म्यूजिशियंस, डांसर एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एक तरह से देखा जाए तो मंदिर अब केवल पूजा करने का स्थान नहीं रह गया था, वहाँ कई समुदाय के लोग रहने लगे थे। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा कि प्राइस्ट मतलब पुजारी, गार्लैंड मतलब जो फूल बेचने वाले होते हैं, फूल बनाकर बेचने वाले, कुक्स मतलब बावर्ची, स्वीपर्स मतलब आपको पता है मेहतर वगैरह जिनको कहा जाता है, म्यूजिशियन, संगीतज्ञ और नर्तक लोग भी वहाँ पे बसने लगे थे। धीरे धीरे वहाँ बस्ती काफ़ी बन चुकी थी और धीरे धीरे उस जगह को मंदिर नगर के नाम से भी जाना जाने लगा था, जो कि मंदिर नगर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि टेम्पल केवल पूजा के लिए, मतलब मंदिर केवल पूजा करने का स्थान नहीं रह गया था। दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल, ये एक तरह से हब बन गया था, एक केंद्र बन गया था, मंदिर एकदम बीचों बीच बना हुआ था, उसके चारों तरफ बस्ती थी। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। इकोनॉमिक मीन्स आप समझते हैं पैसे से या फाइनेंशियल रिलेटेड, तो मतलब इकोनॉमिक मतलब जब लोग खेती करने लगे थे तो खेती को वो उसी वहाँ के लोगों के ही मतलब उनके लिए ही खर्च होती थी वो खेती, जो उससे अनाज निकलते थे। और फिर जो लोग गार्लैंड मतलब फूल बनाकर उसकी माला बनाकर बेचते थे, उनसे भी उनका उनकी जो इंटेंशन था वो पैसा कमाना ही था, है ना। बावर्ची खाना बनाते थे, तो अब हर कोई थोड़ा सा डेवलप करने लगे थे, सबकी जो मेंटल कंडीशन थी वो क्या थी, डेवलप होने लगी थी कि हम ये काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सुधरेगी, तो वहाँ के लोगों की अब जो मेंटल स्टेबिलिटी थी वो भी सुधरने लग गई थी। सोशल, सामाजिक मतलब वहाँ पे हर समुदाय के लोग बसने लगे थे, चाहे वो बावर्ची हो, पुजारी हो, आपके संगीतज्ञ हो, नर्तक हो, है ना, स्वीपर हैं, इस तरीके से, इसलिए सोशल वर्ड यूज हुआ है। एंड कल्चरल में जो ये आपके हैं म्यूजिशियन एंड डांसर्स के लिए, तो इस तरीके से वहाँ पे जो मंदिर था वो एक हब बन गया था, एक सेंटर बन गया था लोगों का, कि आसपास कई कम्युनिटी के लोग बसने लग गए थे। ठीक है ना, Amongst the craft associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. मतलब चोल वंश की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वहाँ कांस्य मूर्ति कला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी, सबसे ज़्यादा चमत्कार माना जाता था। चोल ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा
फेमस अगर कोई चीज़ मानी जाती है तो चोल वंश की जो मूर्ति कला थी, मूर्ति प्रतिमा थी, वो मानी जाती है। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, जबकि ज़्यादातर मूर्ति जो बनती थी देवी देवताओं की बनाई जाती थी। सम टाइम इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल, कभी कभी भक्तों की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी चोल वंश की जो मूर्ति कला थी, प्रतिमा जो बनाई जाती थी, तो ये सबसे मतलब पूरे दुनिया में फेमस थी इनकी मूर्ति कला, ठीक है ना। तो आज हमने चोल वंश का पढ़ लिया कि चोल वंश